नमस्कार दोस्तों, नो एरर इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नरेंद्र जोशी आप लोगों के सामने फिर से आया हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने आर्टिकल की सीरीज शुरू की थी, जिसमें हमने ए एन आर्टिकल तथा दी आर्टिकल का अध्ययन कर लिया था। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे, तो आप देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम आज बात करने जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, और ये महत्वपूर्ण बात इसलिए भी है कि आर्टिकल का यूज करते हैं हमें पता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं और ऐसी स्थितियां भी होती हैं जब हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, तो इसको हम नो आर्टिकल वाली स्थिति कहते हैं। तो ऐसे ही नाउन्स के बारे में चर्चा करेंगे, स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे जब हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। तो देखें दोस्तों, सबसे पहले हम पॉइंट नंबर एक की बात करेंगे। भाषा, विषय, खेल, त्योहार, बीमारी के नाम से पहले नो आर्टिकल। ध्यान रखना दोस्तों, भाषा, विषय, खेल, त्योहार, बीमारी के नाम से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। एग्जाम में कॉमन एरर आती है इस तरीके की। देखें यहां पर, चिल्ड्रन गेट न्यू क्लोथ्स ऑन दिवाली एवरी ईयर। चिल्ड्रन गेट करते हैं न्यू क्लोथ्स ऑन दिवाली एवरी ईयर, प्रत्येक साल दिवाली पर। अब देखें यहां पर दोस्तों, तीन आर्टिकल दिए, दी, ए और क्रॉस, क्या आएगा? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है क्या दिवाली नाउन है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों, दिवाली यहां पर नाउन है और एक त्योहार का नाम है, तो नाउन है तो यहां पर त्योहार का नाम है तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ध्यान रखना दोस्तों। अगला सेंटेंस देखें, दिस इज दिवाली गिफ्ट फॉर यू, यह तुम्हारे लिए दिवाली गिफ्ट है। अब देखिए, दिवाली वर्ड यहां पर भी था, दिवाली वर्ड यहां पर भी था, यहां पर भी है, लेकिन समझे, यहां दिवाली का अगर पार्ट ऑफ स्पीच देखे तो नाउन है, लेकिन यहां दिवाली नाउन नहीं बन रहा है, यहां पर एक एडजेक्टिव बन रहा है, क्योंकि नाउन तो ये है। उस गिफ्ट की विशेषता है कि वो दिवाली गिफ्ट है। तो देखिए दोस्तों, अब यहां पर आर्टिकल आना है या नहीं आना है वो दिवाली पर डिपेंड नहीं है, वो डिपेंड है गिफ्ट के ऊपर। तो यहां पर अगर कोई पर्टिकुलर गिफ्ट नहीं है तो ए आर्टिकल का यूज मैं कर लूंगा, ठीक है। और मैं एग्जांपल ले सकता हूं, जैसे देखें, ही प्लेज द क्रिकेट। अब इस सेंटेंस को देखें दोस्तों, यहां पर क्रिकेट आया है, अब क्रिकेट यहां पर खेल का नाम है तो आर्टिकल नहीं आएगा, नाउन बन रहा है। जबकि दूसरा सेंटेंस देखें, ही इज ए क्रिकेट प्लेयर। अब इस सेंटेंस को देखें तो यहां देखें, प्लेयर एक नाउन है और यहां पर क्रिकेट जो है उसका एडजेक्टिव है, तो यहां पर ए आर्टिकल प्लेयर के हिसाब से आ रहा है, ना कि क्रिकेट के हिसाब से। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर ये सब नाउन बनते हैं तो आर्टिकल नहीं लेंगे, और अगर एडजेक्टिव बने तो डिपेंड करेगा आने वाले नाउन के ऊपर। अगला नियम देखते हैं दोस्तों, मैन, वुमेन, टाइम, डेथ, नेचर, आर्ट, साइंस, स्ट्रेंथ का प्रयोग अगर जनरल सेंस में हो तो आर्टिकल का यूज नहीं होता है। देखिए दोस्तों, जनरल सेंस का मतलब क्या है, जैसे हम कई बार बोलते हैं ना, अरे यार आदमी तो होता ही ऐसा है। अब यहां पर जब मैं आदमी वर्ड का यूज किया, मैन वर्ड का यूज किया, तो मैंने किसी पर्टिकुलर मैन को फोकस नहीं किया, मतलब मैं एक तरीके से किसी भी व्यक्ति की बात कर रहा हूं। औरत तो आदमी की संगनी होती है, अब यहां पर मैंने किसी पर्टिकुलर औरत की बात नहीं की, एक जनरल सेंस दिया है औरत के लिए, औरत जाति के लिए, तो यहां पर मैं आर्टिकल का यूज नहीं करूंगा, ध्यान देना इसका। देखिए दोस्तों, द मैन कैन नॉट लिव बाई ब्रेड अलोन, आदमी केवल रोटी पर जिंदा नहीं रह सकता। ब्रेड यहां पर रोटी का सेंस दे लेना, ब्रेड के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब ये सेंटेंस इंग्लिश सेंटेंस है, अंग्रेजों के भाषा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो वहां रोटी तो बनती नहीं, तो वो ब्रेड बोल देते हैं। तो यहां पर रोटी का सेंस आप निकाल सकते हो कि आदमी केवल रोटी पर जिंदा नहीं रह सकता। तो देखें, क्या एक आदमी की बात हो रही है, पर्टिकुलर आदमी की बात हो रही है, नहीं, ये यहां पर जनरलाइज किया जा रहा है, तो यहां पर आर्टिकल ना द आएगा ना ए आएगा, क्रॉस कर दें इसे, ठीक है। अब देखिए अगला, दिस इज मैन हु स्टोल माय वॉलेट यस्टरडे, ये वही आदमी है जिसने कल मेरा वॉलेट चुराया था, वही आदमी। इसका मतलब यहां पर किसी पर्टिकुलर बंदे की बात कर रहे हैं, कहने का मतलब इस क्लॉज के कारण ये मैं निश्चित हो रहा है, तो इसका मतलब दी आर्टिकल का यूज कर लूंगा मैं। कई बार आपने सेंटेंस और भी देखा होगा, जैसे हम बोलते हैं मैन इज मोर्टल, अब देखें,
आदमी नश्वर है, क्या एक आदमी की बात हो रही है कि वही नश्वर है ना? ये मैन जो वर्ड है वो जनरलाइज किया जा रहा है, सब मैन के लिए बात कर रहा है, तो यहां पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। उसी प्रकार का एक अगला सेंटेंस देखें जो हमने पिछले नियम में देखा कि हम मैन, वुमेन, टाइम, डेथ, नेचर, आर्ट, साइंस के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं जब ये जनरलाइज करने में काम आए, जनरल सेंस दें। अब देखें दोस्तों, द साइंस हैज गिवन अस मेनी इन्वेंशंस, साइंस ने हमें बहुत सारे आविष्कार दिए हैं। अब देखें दोस्तों, यहां पर पर्टिकुलर साइंस की बात नहीं हो रही है, साइंस एक जनरल वर्ड काम में लिया गया है, तो यहां द आर्टिकल का यूज नहीं होगा, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा यहां पर। अगला देखें, अगला सेंटेंस क्या है, द साइंस ऑफ साइकोलॉजी इज नॉट मच डेवलप्ड, साइकोलॉजी का साइंस ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर पर्टिकुलर साइंस है किसकी, साइकोलॉजी, यहां पर ये जनरल साइंस नहीं दे रहा है, यहां पर्टिकुलर साइंस दे रहा है, तो यहां पर दी आर्टिकल का यूज सही है। अब देखें अगला पॉइंट, बेड, टेंपल, चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, प्रिजन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जेल, ये जो वर्ड्स होते हैं, अगर ये वर्ड्स रूटीन सेंस दें, कहने का मतलब जिन उद्देश्यों के लिए इनकी स्थापना हुई है, एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, अगर उनकी पूर्ति के लिए इनका यूज होता है तो ये आर्टिकल नहीं लेते हैं, और अगर ये केवल एक लोकेशन का काम करें तो आर्टिकल ले लेते हैं। देखें दोस्तों, समझने की कोशिश करना जो मैं बता रहा हूं, आई गो टू द स्कूल डेली, मैं स्कूल डेली जाता हूं, भाई डेली क्या करने जाते हो, इसका मतलब डेफिनेटली स्कूल का पर्पज क्या है, एस्टेब्लिशमेंट क्यों हुआ है, पढ़ाई का पर्पज तो हो सकता है पढ़ने जाते हो क्योंकि डेली जा रहे हो तो पढ़ाई से ही संबंधित काम है, तो यहां पर दी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अगला सेंटेंस देखें, ही इज एट ए स्कूल, ही इज एट ए स्कूल, दोनों सेंटेंस की बारीकी को समझना, एट स्कूल, एट द स्कूल, जब मैं बात कर रहा हूं ही इज एट स्कूल, तो कहने का मतलब यहां पर बताया जा रहा है कि उसके स्कूल में पढ़ने की अवस्था है, स्कूल में पढ़ता है, ही इज एट स्कूल सही है, मतलब स्कूल में पढ़ने की अवस्था, और जब ये बोला जा रहा है ही इज एट द स्कूल, इसका मतलब अब वो स्कूल में पढ़ता नहीं है, रूटीन सेंस नहीं दे रहा है यहां पर ये, एट द स्कूल इसका मतलब स्कूल लोकेशन पर है, जैसे हम बोलते ना ही इज एट पर्टिकुलर प्लेस, तो वैसे ही इज एट द स्कूल मतलब स्कूल उसके लिए लोकेशन है, कहां पर खड़ा है वो, पूरे स्कूल पर है, स्कूल के पास में या फिर स्कूल में है, तो ये भी सही है, दी आर्टिकल लगते ही यहां पर बता रहा है लोकेशन किसकी, ही की। अगला सेंटेंस देखिए दोस्तों, गांधी जी वेंट टू द प्रिजन मेनी टाइम्स, गांधी जी वेंट टू प्रिजन मेनी टाइम्स, गांधी जी अनेकों बार जेल गए, अनेकों बार क्यों गए, प्रिजन क्यों गए, सजा काटने के लिए, मतलब एक प्रिजनर के रूप में, तो यहां पर दी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अगला सेंटेंस देखें, द जेलर इज इन द जेल, द जेलर इज इन जेल, जेलर जेल में है, अब बताओ जेलर जेल में होगा तो जेल उसके लिए क्या है, उसकी अवस्था या उसकी लोकेशन, जी हाँ दोस्तों अवस्था नहीं होगी उसकी लोकेशन होगी, अभी कहां पर है, अभी जेल में है उसकी लोकेशन, बाद में थोड़ी देर बाद घर पर भी तो जाएगा, अवस्था तो नहीं है, अवस्था तो प्रिजनर के लिए होगी, तो यहां पर ये दी आर्टिकल का यूज होगा। अब देखें, अगर जेलर की जगह प्रिजनर होता, प्रिजनर इज इन द जेल, प्रिजनर कहां पर है, जेल में, अब ये प्रिजनर के लिए अवस्था है, अवस्था है तो अब दी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, गॉट इट। अब देखें अगला सेंटेंस, माय हाउस इज नियर स्कूल, मेरा घर स्कूल के पास में, तो स्कूल रूटीन सेंस नहीं दे रहा है, ये केवल एक लोकेशन बन रहा है, तो यहां पर आर्टिकल लगेगा, मेरा घर है कि स्कूल के पास में, एक स्कूल है कोई उसके पास में है, तो दोस्तों इस तरीके से हम नो आर्टिकल वाली स्थिति दिमाग में रखेंगे तो हमें कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता आर्टिकल को लेकर। तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, और होप करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छे से तैयार हो गया होगा, जो आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी की अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं जिससे आपको फास्टेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए,
और दोस्तों सब्सक्राइबर बढ़ने से फायदा यह होगा कि हम आपकी लाइव क्लासेस भी शुरू कर देंगे यूट्यूब पर। तो बने रहिए, जुड़े रहिए नो एरर इंग्लिश क्लासेस से। धन्यवाद।